कृष्णा एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि माला जप करते वक्त हमारा कंसंट्रेशन क्यों नहीं लगता और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रोकती हैं या वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो आपको पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नाम जप करने से पहले शुरू, मतलब अगर आप नाम जप शुरू कर रहे हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। एंड बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये चीज़ पता हो तो भी सुन लीजिए। तो पहली चीज़ कि हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान की सारी शक्तियाँ उतनी ही इक्वल उनके नाम में है जितना उनके अंदर है। जैसे मैं अभी अगर कीर्तन करूँ, उनका नाम लूँ, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, भगवान आ जाएंगे वहीं पर। एंड उसी तरीके से जप करते वक्त वो चीज़ जाती है। जैसे अगर मैं जप कर रही हूँ, अगर दिन का 2 घंटा जप कर रही हूँ 16 माला करने के लिए, देन आई शुड बी कॉन्शियस कि ये मेरा क्वालिटी टाइम है कृष्णा के साथ में। अगर मैं जप कर रही हूँ 2 घंटा ब्लाइंडली, मेरे को पता ही नहीं कि क्यों कर रही हूँ, तो उसका कुछ मतलब नहीं ना। अगर आप जप कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि ये आपका क्वालिटी टाइम है भगवान के नाम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। एंड दिस इज़ माई क्वालिटी टाइम विद कृष्णा, दैट्स इट, नो डिस्ट्रैक्शन कैन कम बिटवीन मी एंड कृष्णा। इतना आपको एक मतलब कि कॉन्फिडेंस ये बढ़ाता है। और ये चीज़ एक रियलिटी, कोई ऐसे मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, रियलिटी है, शास्त्र बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी नाम जप करना है, जो भी हम महामंत्र का जप करते हैं, उसका मतलब क्या आपको पता है? तो मतलब है महामंत्र का सिंपल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कृष्ण और राम का मतलब तो भली भांति जानते हैं, बट हरे हरे शब्द कई लोग इसका मतलब नहीं जानते। तो हरे शब्द का सिंपल मीनिंग यही है कि ये राधा रानी का नाम है। जैसे राधा नाम है राधा रानी का, तो हम उन्हें बुलाते हैं तो बोलते हैं राधे राधे। वैसे ही हरा राधा रानी का एक नाम है और हम उन्हें अगर बुलाएंगे तो बुलाएंगे हरे हरे कृष्ण। तो हम राधा रानी और कृष्ण से यही प्रार्थना करते कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप, मैं आपका नाम जप कर रही हूँ और आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हमें कभी भी भगवान से अपनी सेवा नहीं करवानी। हमें उनसे ये नहीं बोलना कि भगवान मेरे को पास करा दो, भगवान मुझे टॉप करा दो, भगवान मेरी शादी करा दो, भगवान मेरे को जॉब लगा दो, भगवान मेरे को पैसा कमा दो। ये सब चीज़ें बहुत गलत है। आप भगवान से अपनी सेवा करवाएं, ये एक भक्त को शोभा नहीं देता। भक्त तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं किस तरीके से अपने इष्ट की, अपने भगवान की सेवा कर सकूं। तो हमको हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी कि हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। यही सब आपको मांगना चाहिए। मांगना क्या, यही महामंत्र का अर्थ है। जब आप महामंत्र का जप करें तब हर टाइम ये भी नहीं कि जप कर रही हूँ मांग रही हूँ, जप कर रही हूँ मांग रही हूँ। नहीं, आपका कॉन्सेंट्रेशन जप में होना चाहिए। एक सिंपल सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का एक बोल सकते हैं, मैंने सुना था कि आप जब जप कर रहे हैं कोई भी मंत्र का, तो आपको वो मंत्र इमेजिन करना। जैसे हरे कृष्ण मैंने बोला तो मेरे दिमाग में हरे कृष्ण लिख के आना चाहिए। हरे कृष्ण बोल रही हूँ मैं, जप कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ लिख के आनी चाहिए। आई शुड रीड इट इन माई माइंड। तो क्या है, कभी डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं ना। आप अगर वही चीज़ रीड करते जा रहे हो तो और कुछ माइंड को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एंड यू शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस कि आपका क्वालिटी टाइम है कृष्णा के साथ। आपको इसे अलग, अगर मैं बोल दूँ कृष्ण आपके सामने आ रहे हैं बैठने के लिए 2 घंटे के लिए दिन में, तो क्या आप वो 2 घंटे कहीं और जाएंगे? क्या आपके लिए कोई और इम्पॉर्टेंट टाइम होगा उसके अलावा? नहीं ना। तो वैसे ही जब है, आप मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जब कृष्ण के बराबर ही है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी जानने के लिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। फिर गलतियाँ क्या है जो हम करते हैं? ठीक है, ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, बट ऐसी कौन सी गलती है जो हम नहीं करेंगे? तो देखिए, हर चीज़ सेंटर में कहा जाती है कृष्ण के। तो इस पूरे वीडियो का सेंटर यही है कि कृष्ण के साथ जब करते हो तो हमारा क्वालिटी टाइम है। जैसे ही आप इस चीज़ को सेंटर में ले आएंगे ना, आपकी सारी गलतियाँ मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, और अपने आप ही सुधरने लगेंगी। जैसे एक गलती है कि जो हमारी माला है, मैं निकाल के बताती हूँ, तुलसी माला हमारी, अगर आप न्यू है अगेन आई विल से यू कैन यूज़ कदम माला इन द स्टार्टिंग। तो जब हमारी तुलसी महारानी में हम तुलसी माला पे जप करते हैं, तो एक तो पहले तो फर्स्ट गलती, सबसे पहले ये बेसिक है, पता रहता कि हमें तुम्हारी तुलसी माता, जो तुलसी माला है सॉरी, ये हमारी कभी भी ज़मीन को टच नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई वी यूज़ बीड बैग। वो क्यों ज़्यादा सेफ रहता है बीड बैग? बिकॉज
अगर गलती से कभी छू भी गया तो बीट बैग का कपड़ा बचा लेता है। वैसे नहीं छूना चाहिए बीट बैग में भी, हमें ट्राई करना चाहिए बट बाई चांस बाय लक। बट अगर आप ऐसे ही जब कर रहे हैं तो वो ज़मीन में छू ही जाएगा अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं बीट बैग नहीं, तो आप ऐसे हाथ में ऐसे आप रख, जैसे राइट हैंड से करना चाहिए, तो आप इस तरीके से आप रख सकते हैं। और सेकेंड मिस्टेक, कई लोग को पता नहीं तो हम लोग इस उंगली को भी रख के जब करते हैं, मैंने बताया है जब कैसे करना चाहिए, महामंत्र पंचक मंत्र उसके लिए वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक आ जाएगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो हमको ये उंगली नहीं लगानी चाहिए, ये सेकेंड मिस्टेक, ये मिस्टेक्स नहीं बोलेंगे बेसिक्स है जब के। एंड जो मेन मिस्टेक हम लोग करते हैं ना कि खाई के लिए, अरे मुझे तो 16 माला करना है, या मुझे तो नेटफ्लिक्स पर मूवी देखनी है फटाफट जब करके, या जो भी आपके एग्जाम्पल्स हों, तो हम क्या करेंगे कि हाथ तो अपना फटाफट ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे 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 हाथ वैसे बराबर बराबर जाएगा, बट हमारा मंत्र चल रहा होगा पहला दूसरा, मतलब मेरी हाथ उंगली है मेरी 6th बीड पे, बट मैंने महामंत्र खाली 2 बार बोला होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप मंत्र स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका हाथ फर्स्ट बीड पे ही रहना चाहिए। फर्स्ट यू वंस यू कंप्लीट फर्स्ट टाइम रिसाइटिंग द होल महामंत्र, देन यू कैन पुट योर फिंगर ऑन द सेकेंड बीड। ये आपका एक साइकिल में चलना चाहिए जब तक आपकी 1 माला ना हो जाए। एंड कभी भी माला, जैसा भी मैंने गलती कर दी ना, ऐसे ऐसे जाने की, ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, कभी भी आपकी हाथ क्लॉकवाइज नहीं जाना चाहिए, ऐसे आगे आगे, हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे आगे की तरफ चढ़ते हुए, ऐसे आपको लगना चाहिए कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल ले सकते कि आपको एंटी क्लॉकवाइज जब करना है, ना कि क्लॉकवाइज। जैसे ये मैं जब कर रही हूँ तो जो मेरी हाथ है वो क्लॉकवाइज जा रहा है आगे, है ना, बट मैं अगर ऐसे जब कर रही हूँ तो मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। या फिर एक आपको फील होना चाहिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं जब करते वक्त, ठीक है ना, हर चीज़ ऊपर जाती जाएगी जब करेंगे तो सीढ़ी में ऊपर जाएंगे आप तिलक लगाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, वैसे ही। तो आपका डायरेक्शन जब करने का हमेशा राइट होना चाहिए ऐसे। तो ये सेकेंड मिस्टेक थी कि एक फर्स्ट ज़्यादा फास्ट आप नहीं करना कि आपकी उंगली आप भूल जाए कि कौन सा मैंने मंत्र बोला और मेरी बीड कौन सी थी। आराम आराम से पहले एक बार बोलिए, उस टाइम पे एक बीड पे हाथ रखिए, वैसे ही आपको करना है। एंड की बीड की डायरेक्शन ज़रूरी है, ऐसे करनी है, आगे आगे की तरफ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, जो भी तरीके से आप समझ पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं। देखिए ऐसे आगे की तरफ जब करना है, ठीक है, ये मोस्टली लोग को पता होता है, बट फिर भी जिन लोगों को ये नहीं पता कोई बात नहीं, आप देख के सीख लीजिए। थर्ड मिस्टेक ये होती है कि हम सुमेरु को क्रॉस कर जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, एंड देन दे माला जब के एंड हुआ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, एंड अगेन क्रॉस कर दिया। सुमेरु क्रॉस नहीं की जाती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पर मैंने उसमें देखा कि वीडियो में शायद बराबर से नहीं, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ सीखी थी मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजिंग था, मेरे को 1 हफ्ता लग गया था खाली टर्निंग सीखने में कि कैसे टर्न किया जाता है, और फिर भी कन्फ्यूज हो जाती थी। वो बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटी थी तभी, तो आपको बता देती हूँ। जैसे ये मेरा ये सुमेरु है, मैंने यहाँ पे जप करना स्टार्ट किया हरे कृष्ण महामंत्र, एंड जप करते 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 करते, इतना फास्ट नहीं कर रहा है, खाली मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। एंड देखिए जप करते करते मैं ऐसे आगे आ रही हूँ, आगे आ रही हूँ, जप कर रही हूँ, जप कर रही हूँ, एंड ये मेरा लास्ट बीड आया, ठीक है, ये लास्ट बीड आया मेरा। एंड लास्ट बीड पे जब मैंने महामंत्र बोला ना, तो मुझे ऐसे ही टर्न कर लेना, जैसे ये मेरा बोला मैंने, ऐसे ऐसे हुआ, ये लास्ट स्पीड है ना, मैंने यहाँ से शुरू किया था, एंड आई विल टर्न इट, टर्न किया, एंड नाउ आई विल रिसाइट दी पंचक मंत्र ओवर दे सुमेरु। अब मैं सुमेरु पे वापस पंचक मंत्र बोलूँगी। इधर मैंने बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, और मैं जो मेरी लास्ट बीट थी ना लास्ट माला पे, वो मेरी फर्स्ट बीट बन जाएगी, ठीक है, कि मेरी ये लास्ट बीट थी अभी इस माला के लिए, एंड नाउ दिस विल बी माई फर्स्ट बीट। तो हो सकता है टर्निंग का आपको समझ आ गया, तो ये टर्निंग का एक था। जब करते वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अभी देखिए हर चीज़ सेंटर में जा रही कि नहीं, अगर आप समझ लेंगे कि कृष्ण आपके साथ हैं तो आप कभी भी फास्ट जप नहीं करेंगे, आप एक नॉमिनल स्पीड पे जप करेंगे। जब आपको पता लगेगा कृष्ण आपके साथ है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, तो ये गलतियाँ तो अपने आप सॉल्व हो गई, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक टर्निंग का था, वो शायद आपको ना समझ आए, टर्निंग का बताते हैं, बात नहीं करनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये एक मिस्टेक थी। एंड बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, आपको कुछ मांगना नहीं चाहिए या कुछ इमेजिन नहीं करना चाहिए, जैसे जब कर रहे हैं आई मीन इमेजिनिंग, अरे मैं तो वृंदावन जाऊंगी, मैं उधर ऐसा करूंगी, नहीं ये भी गलत है। जब करते वक्त आपको सिर्फ और पूरा ध्यान अपने महामंत्र पे लगाना है, देन ओनली महामंत्र आपका रिसाइट करना, जब करना एक सक्सेसफुल रहेगा।
तो ये सारी कुछ बातें थी, होप कुछ गलतियां जो आपसे होती। हाँ, और एक और मिस्टेक थी, बहुत लोग बोलते कि हमारे सामने शांत वातावरण नहीं होता, शांत वातावरण नहीं होता जब करने का, तो हम क्या करें? पहली बात, अगर आप सच में समझ लेंगे कि कृष्ण आपके साथ है, तो कितना भी शांत वातावरण ना हो आप जब कर लेंगे, आपको यही बात समझनी कि कृष्ण आपके साथ है। जब अगर आपको फिर भी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मुझे पता नहीं ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं, अगर कोई सीनियर डिवोटी देख रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो प्लीज़ आप बता देना कि नहीं ये गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं यूज़ करती, मेरे को ये मेरे सर ने सजेस्ट किया था फॉर स्टडीज़। अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं बहुत शांत वातावरण नहीं है, तो पढ़ाई के लिए आप ईयर प्लग्स आते हैं अमेजोन पे, कोई भी मेडिकल स्टोर में भी जाके मिलेगा, मेरे पास अभी है नहीं, मैंने ऑर्डर किया है पढ़ाई करने के लिए, तो आएगा, अगर जब आएगा तो मैं दिखा दूंगी आप लोग को। स्पॉन्ज टाइप होता है, उसमें से पाइप लगे होते हैं, बिना वायर लगा होते हैं, वायर के बिना भी आता है, तो जैसे आपको लगाना होता है उसको ऐसे दबाना है, स्पॉन्ज है दब जाएगा, दबा के आपको कान में डालना होता है, वो फूल जाएगा कान में, एंड फिर आपको ना कुछ भी बाहर का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, बहुत ही 97% तक आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो वो मेरे सर ने मुझे रिकमेंड किया था फॉर स्टडीज़, बट मैंने सोचा रही है तो वो भी लोग यूज़ कर सकते हैं जो जब करते वक्त उनको शांति नहीं मिलती, तो अभी आप एक यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप मैंने जितनी भी गलतियाँ मुझे बता दी, थोड़ी बहुत मैंने बता दी, और जो वीडियो में मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में, मैंने वो स्टार्टिंग में क्यों बोले हैं, यूट्यूबर्स एक्चुअली लास्ट में बोलते हैं जो फ़ायदे की चीज़ होती है, बट मैंने स्टार्टिंग में बोलती, क्योंकि अगर कोई वीडियो, मेरे को पता है मेरी वीडियोज़ कोई पूरा नहीं देखता, तो अगर मतलब मोस्टली लोग नहीं देखते अच्छी चीज़, कोई भी पूरा नहीं देखता तो छोड़ के चले जाते हैं, तो स्टार्टिंग ही भले ही देख लें मगर आपको काम आ जाए वो बड़ी बात है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देखा तो थैंक यू सो मच, इतना देख ही लिया है तो सब्सक्राइब कर दो, आगे और कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, एंड इतना देखा है तो इसका मतलब है कि आपको चैंटिंग करनी है, या आप चैंटिंग करते कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता, बट फिर भी अगर आप स्टार्टिंग के लिए देख रहे हैं तो वेट मत करिए, आप ज़्यादा शुरू कर दीजिए, गलतियाँ होती हैं तो भी कृष्ण उसे सुधार देंगे, कृष्ण कोई ना कोई ऐसे माध्यम भेज देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ मैं ये गलती कर रही हूँ, मुझे सही करना है। कोई भी स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता है, मुझसे भी गलतियाँ हुई थी, मैंने वही गलतियों से सीखा और मैं वही आपको सिखा रही हूँ। आगे अगर मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये भी गलतियाँ होती हैं, तो मैं वो भी ज़रूर आगे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बनाएंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हरि बोल हरे कृष्णा, सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को शेयर कर दिए अपने ग्रुप्स में, ताकि दूसरे भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, एंड दैट्स ऑल, हरे कृष्णा।